हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। क्या विराट कोहली को आईपीएल सीजन 15 के दौरान ही ब्रेक ले लेना चाहिए? क्या भारतीय टीम के लिए लगातार 6-7 साल और खेलना है? तो क्या इस वक्त विराट कोहली के लिए सही वक्त है कि वो क्रिकेट से ब्रेक ले लें? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का कहना है। और क्या क्या कुछ विराट कोहली के बारे में शास्त्री ने कहा है, ये हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये किस बात की देरी है? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कहना है पूर्व कोच रवि शास्त्री और फिलहाल आईपीएल में कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री का, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म लगातार चिंता का सबब बन चुकी है। जिस तरीके से भारत के लिए वो खेल रहे हैं तो तब रन्स नहीं आ रहे हैं, अब आईपीएल में बैंगलोर के लिए खेलें तो 9 मैचेस में मात्र 128 रन बने हैं। अब ये वो विराट कोहली नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। और ऐसे ही कुछ कहना है रवि शास्त्री का भी। उन्होंने साफ कह दिया कि कोहली को अगर आने वाले 6-7 साल में भारत के लिए सर्व करना है, लगातार क्रिकेट खेलना है तो ये सही वक्त है। आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेने के बाद वापसी कीजिए। तकरीबन 2-3 महीने आप कह सकते हैं कम से कम उनको ब्रेक लेना चाहिए और फुली फिट होके मेंटली एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में होके जो है उनको वापस से वापसी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और इस बायो बबल के ज़माने में, कोविड के ज़माने में अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है एक जगह रखना, एक फोकस के साथ चलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और कहीं ना कहीं वो जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि विराट कोहली इज ओवरकुक्ड, कुछ वक्त पहले जब ये खबर आई थी, जब रवि शास्त्री ने इस चीज़ को लेके जो है ज़रूर एक स्टेटमेंट दिया था, अब उसमें बड़ा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं वो ये आ रहा है कि आईपीएल को ही आप बीच में छोड़ दो। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय टीम आईपीएल के अलावा हर वक्त हर समय आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिखती है। ऐसे में ऑफ सीज़न अगर कुछ बचता है तो वो आईपीएल है। ऐसे में आप चाहें तो आधे में ही आप कह सकते हैं कि आईपीएल सीजन 15 के लिहाज से अगर बात करें, आने वाले आईपीएल की भी अगर बात करी जाए तो आप आधी फीस लीजिए, यानी कि आप 14 मैचेस खेलते हैं तो 7 ही मैचेस खेलिए, 7 मैचेस की आप फीस जो है ज़रूर कह सकते हैं फ्रेंचाइजी से कि भैया मैं आधा टूर्नामेंट खेलूंगा, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। तो ये कॉल उस खिलाड़ी की तरफ से ही आना चाहिए, ये रवि शास्त्री ने कह दिया है। और एक विराट कोहली तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, और भी कोई खिलाड़ी अगर इस तरीके की फेस से गुजर रहा है तो उसे ऐसे करना चाहिए, देश को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, ये कहना है रवि शास्त्री का। और विराट कोहली के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया कि किस तरीके से वो आगे का जो पूरा उनका फ्यूचर है वो चैनलाइज करते हैं, क्योंकि स्थिति कुछ खास है नहीं। तकरीबन 2.5 साल से आप देखें तो शतक नहीं आए, शतक के बाद बड़े रन्स की बात करते तो वो नहीं आए, इवेंट्स आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो वहाँ पे बल्ला कोहली का इतना नहीं चल पाया, बायलैटरल सीरीज में उस तरीके के कोहली नज़र नहीं आ रहे, अब तो आईपीएल में भी लगातार फेलियर्स हैं। और जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं वो एक अपने आप में बड़ा मैटर ऑफ डिबेट बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रवि शास्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया है कि बीच में ही यानी इस सीजन के दौरान ही अगर विराट कोहली चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं? अभी भी 5 मैचेस बाकी हैं, साउथ अफ्रीका ने भारत आना और वहां पे अगर विराट कोहली को आराम दिया जाता है तो एक अच्छा खासा उनको ब्रेक मिल सकता है, तकरीबन 2 महीने वो आराम कर सकते हैं। क्या कोहली को ये करना चाहिए, क्या इसी सीजन में ही ये ब्रेक ले लेना चाहिए कि आगे चल के इस पूरे मामले को सीरियसली लेना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि कोहली की ज़रूरत है टीम इंडिया को। हम चाहते हैं कि टीम इंडिया के लिए विराट कोहली जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दें, 71वीं सेंचुरी है, क्योंकि बड़ा ज़माना हो गया, 2.5 साल पुरानी बात हो गई है, तब तो कोविड भी नहीं था, तो पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो चाहेंगे कि विराट कोहली जल्द से जल्द फॉर्म में आए और टीम इंडिया के लिए और बैंगलोर के लिए ढेरों रन बनाए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।